और यहाँ पर आपको अहम खबर देते चले, वजीर आला सिंध ने सूबे भर में नर्सरी से यूनिवर्सिटी तक तमाम तालीमी इदारे 2 हफ्ते तक मजीद बंद रखने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा 24 मई से कराची समेत सिंध भर में सख्त SOPs नाफिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा आवाम जब तक साथ नहीं देगी लॉकडाउन का फायदा नहीं होगा। सिनेमा, पार्क, दरगाहें, मज़ारात, ब्यूटी पार्लर समेत दीगर अहम पब्लिक मुकामात 2 हफ्ते तक बंद रहेंगे। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी, जबकि दुकानें सिर्फ शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा पाबंदी लगाने का फैसला ईद उल फितर के बाद बढ़ते केसेस के तनाजुर में किया। इस साल के अदाद शुमार सामने रखकर हिकमत अमली बनाई है। कराची में कोरोना केसेस की शरह 13.8% तक पहुँच गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अब मजीद सख्ती करनी है, SOPs में नरमी नहीं कर सकते। अस्पतालों में दस्तियाब बेड्स तेज़ी से भर रहे हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलती रहेगी।